लॉकडाउन के दूसरे चरण में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के तेवर काफी तल्ख हो गए हैं। इसी क्रम में सोमवार दोपहर अपने कचहरी स्थित कार्यालय से निकलते वक्त गाजीपुर के जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की नजर बिना हेलमेट और बिना मास्क पहने दो बाइक सवार युवकों पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत उन दोनों युवकों को रुकवाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर उनसे वहीं उठक बैठक करवाया गया। इसके बाद उचित हिदायतें देते हुए और दोबारा लॉकडाउन के नियमों के पालन करने के वादे के साथ उन्हें माफ कर वापस घर जाने को कहा। बता दें कि दोनों बाइक सवारों में से एक को पैदल तो एक को बाइक से जाने की इजाजत दी गई। इसके बाद जिलाधिकारी गाजीपुर अपने काफिले के साथ आगे की ओर निकल गए। इस कार्य से जिलाधिकारी ने साफ संदेश दिया कि लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर किसी अति आवश्यक काम से बाहर निकल रहे हों तो अपने चेहरे को मास्क या किसी भी तरह के कपड़े से ढकना अनिवार्य है। गाजीपुर से वेद प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।